1 अक्टूबर से ताड़ोबा पर्यटकों के लिए खुलेगा। 3 माह बाद पर्यटक सफारी का आनंद लूटेंगे। पट्टीदार बाघों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प के द्वार आगामी 1 अक्टूबर से पुनः शुरू होंगे। अगले वर्ष मानसून तक पर्यटक यहां सफारी का भरपूर लुत्फ उठा पाएंगे। मानसून के 3 महीनों जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प को पर्यटन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। हालांकि यहां अच्छे रास्तों के चलते बफर जोन में कुछ स्थानों पर सफारी शुरू रखी गई थी, जबकि संपूर्ण कोर क्षेत्र में पर्यटन बंद होने से पर्यटक पर्यटन का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। ताड़ोबा देश विदेश के पर्यटकों की पहली पसंद होने के कारण यहां महीनों पूर्व बुकिंग करनी पड़ती है, जिसके बाद ही पर्यटन का मौका मिल पाता है। अब तो बुकिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। यहाँ जिप्सी बुकिंग के लिए 2 प्रकार की आरक्षण व्यवस्था है। इनमें 120 दिन पूर्व ऑनलाइन बुकिंग, एडवांस बुकिंग या 3 दिन पूर्व तत्काल बुकिंग की व्यवस्था है। अधिकांश रूप से एडवांस बुकिंग होती है। कैटर्स बुकिंग ताड़ोबा के प्रकल्प निदेशक कार्यालय से पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर उपलब्ध है। चूँकि मंगलवार से ताड़ोबा अभयारण्य पर्यटकों के लिए शुरू हो रहा है, इसलिए 3 दिन पूर्व 28 सितंबर से तत्काल बुकिंग प्रारंभ हो जाएगी। सामान्य ऑनलाइन बुकिंग प्रारंभ थी, जो 1 अक्टूबर की सफारी के लिए 27 सितंबर को बंद होगी। तत्काल बुकिंग सफारी की तारीख से 3 दिन पूर्व प्रारंभ होकर सिर्फ 2 दिन तक जारी रहेगी। 1 अक्टूबर की सफारी के लिए 28 और 29 सितंबर तक तत्काल ऑनलाइन बुकिंग जारी रहेगी।